इस वीडियो से हम सीखेंगे। अब तक हमने जाना समीकरण यानी इक्वेशन चर पर एक प्रतिबंध होता है। इसके बाएं पक्ष यानी LHS और दाएं पक्ष यानी RHS का मान बराबर होता है, जो व्यक्त किया जाता है समता यानी इक्वल के चिन्ह से। हर समीकरण का केवल एक ही हल यानी सल्यूशन होता है, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। कुछ उदाहरणों से समीकरणों को हमने और अच्छे से जाना। अब चलिए इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करें। समीकरणों से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा एक, बराबर यानी इक्वल चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन का परिणाम घोषित करने के लिए, समानता यानी इक्विवेलेंस का संबंध यानी रिलेशन दर्शाने के लिए। छोटी कक्षाओं से मन में यह बैठ जाता है कि बराबर का चिन्ह हमेशा किसी गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन का परिणाम घोषित करने के लिए किया जाता है। जैसे x धन 2 बराबर 3 में समझ होती है कि x और 2 के जोड़ का परिणाम है 3। सही समझ यह है कि x और 2 के जोड़ का मान समता के चिन्ह के दाई तरफ लिखी संख्या 3 के बराबर है। मिथ्या धारणा 2, समीकरण x धन 2 बराबर 3 में x धन 2 और 3 क्या दर्शाते हैं? x धन 2 सवाल है और 3 उसका हल। x धन 2 समीकरण का बायां पक्ष और 3 समीकरण का दायां पक्ष है। कई बार यह समझ बन जाती है कि गणित का सवाल समानता के चिन्ह के बाईं तरफ लिखा जाता है और जवाब दाईं तरफ। इस गलत समझ के चलते x धन 2 सवाल है और 3 उसका हल यह जवाब दिया जाता है, जबकि सही समझ यह है कि x धन 2 समीकरण का बायां पक्ष है और 3 समीकरण का दायां पक्ष। मिथ्या धारणा 3, समीकरण में चरों वाला व्यंजक किस पक्ष में व्यक्त किया जाता है? बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में या किसी भी पक्ष में? समीकरणों में चरों वाले व्यंजकों को बाएं पक्ष में व्यक्त करने के हम इतने आदी हो जाते हैं कि हम इन्हें दाएं पक्ष में व्यक्त करना गलत मानने लगते हैं। सही समझ यह है कि हम इन्हें समीकरण के किसी भी पक्ष में व्यक्त कर सकते हैं। आशा करते हैं इससे आपकी समीकरणों संबंधित मिथ्या धारणाएं दूर हुई होगी।